नमस्कार, मैं दीपक पारस HBN न्यूज से। जैसा कि हम आए हैं यहाँ पर पौधा अर्पण किया जा रहा है, इसके बारे में अध्यक्ष जी जानते हैं। सर नमस्कार, आपका नाम? प्रदीप भाटी हूँ, मैं जिला सहकारी बैंक आगरा जिले का अध्यक्ष हूँ। आज योगी यूथ ब्रिगेड द्वारा जो वृक्षारोपण कराया जा रहा है, आज वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है। पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण अब शुद्ध बनाना है, शुद्ध हवा लेनी है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मैं यूथ ब्रिगेड से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, इससे पर्यावरण में हो, और इस समय पर्यावरण का बहुत ही आवश्यकता है और पर्यावरण में जरूरी है पेड़ पौधे लगाएं, जिससे हरियाली मिले, ऑक्सीजन मिले। इससे मतलब जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के भीतर ये चाहते हैं कि हरियाली रहे, इससे शुद्ध वातावरण मिले, पेड़ पौधे लगाएं। और इस समय अभियान चल रहा है पार्टी का भी, सरकार का भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का। आइए, आपका नाम? अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड। ये जो आपने कार्यक्रम आए, इसका जनता को क्या बताना चाहते हैं? इसके जरिए देखिए, योगी यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में ये राजपुर चुंगी इंदिरापुरम यहाँ पर दीनदयाल सामुदायिक केंद्र पार्क है, यहाँ पर इसमें वृक्षारोपण किया गया है। पीपल के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, एलोवेरा है, आंवला है, ऐसे पेड़ लगाए गए हैं। आज प्रकृति संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान प्रदीप भाटी जी रहे हैं उपस्थित। पेड़ पौधे इसलिए लगाना जरूरी है, आपने कोरोना में पेड़ पौधों की कीमत देखी होगी। हाँ, पेड़ों की बहुत आवश्यकता थी। उस समय ऑक्सीजन की वजह से ही काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उस समय पेड़ों की कीमत हमारी समझ में आई थी कि पेड़ों की क्या कीमत है। प्रकृति के साथ हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, तो उसके जवाब में हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाढ़ है, तूफान है, भूकंप है आदि है, सूखाग्रस्त जो हमारी भूमि हो जाती है। इसीलिए जगह जगह पेड़ लगाने चाहिए, और पेड़ लगाना ही नहीं, उसका संरक्षण भी करना बहुत जरूरी है। समय समय पर उसकी देखभाल करना, उसमें जो है पानी डालना, और जब पेड़ बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं कई लोगों को वो छाव देता है, ऑक्सीजन देता है, और एक नया जीवन प्रदान करता है। सभी को संरक्षण करना चाहिए प्रकृति का, पौधे लगाने चाहिए, जल संरक्षण भी करना चाहिए। ये हमारा संदेश दिया गया है। और इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को भी ये कार्य करना चाहिए। ये काम सिर्फ सामाजिक संस्थाओं का, सरकार का या पार्टी का नहीं, ये प्रत्येक भारत के नागरिक का दायित्व है कि उसको पौधे लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, सबको करना चाहिए ये कार्य। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने अजय तोमर जी बात की, इन्होंने पेड़ का जो प्रोग्राम रख रखा है यहाँ पे गौशाला के अंदर, और मतलब इन्होंने गायों को भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा दी है उन्हें पालने का। इंदिरापुरम में किया गया, ये बहुत ही सराहनीय है, और पेड़ पौधे लगाने चाहिए पर्यावरण को देखते हुए। और लोगों से अपील भी है कि अपने बुजुर्गों के नाम से कम एक पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें। ये पर्यावरण में ऑक्सीजन देता है और हमारे लिए छाया देता है। इस अभियान को जोरदारी से चलाना चाहिए, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, कम से कम एक दो पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण करें और देखें कि वो पेड़ बड़े हुए, इससे छाया मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। इससे मतलब जनता को मतलब क्या देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने बुजुर्गों के नाम से, जो उनके बुजुर्ग नहीं रहे हैं उनके नाम से पेड़ लगाए। जैसे कोई बच्चे को पालते हैं, ऐसे पेड़ को पालना चाहिए और पेड़ को बड़ा हो जाए, इससे जनता में बहुत ही राहत मिलेगी पर्यावरण। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।